गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन। आज हम आपको कक्षा 9th विषय हिंदी बुक का नाम है स्थित भागवन काव्यखंड और माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला नामक पोएम करवाने जा रहे हैं। कैदी और कोकिला नामक पोएम करवाने से पहले हम आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। उनका हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। उनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी जी थे जो एक अध्यापन कार्य करते थे। उनकी माता थी सुंदरबाई। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बेसिक शिक्षा प्राप्त कर अध्यापन कार्य आरंभ किया। इन्होंने प्रभा, प्रताप, क्रमवीर कई पत्रों का संपादन भी किया। इनको साहित्य के अकादमी पद्म विभूषण अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही फेमस है, हिम करकनी, हिम तरंगनी, समर्पण, ये सब रचनाएं। और इनकी काफ़ी रचनाओं के लिए इनको पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इनकी जो काव्यों का संबंध रहा है वो राष्ट्रीयता से ओतप्रेत रहा है। इन्होंने जो इनकी भाषा रही है वो शुद्ध साहित्यिक भाषा रही है। सरल भाषा का, बोलचाल की भाषा का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया गया है। इनकी जो पोएम है कैदी और कोकिला, इसमें कैदी के रूप में ये स्वयं खुद हैं और कोकिला कोयल के लिए इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया। इसमें कोयल से ये अपने मन की बात कह रहे हैं। इस पोएम में इन्होंने भारतीय सेनानियों द्वारा जो संघर्ष है ब्रिटिश सरकार के प्रति वो दर्शाया है और ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों को स्पष्ट किया है। वो इनको माखनलाल चतुर्वेदी जी को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण पकड़ लिया गया, जिसके कारण उनको कैद कर रखा और वो जेल में रहकर ब्रिटिश शासन के जो अत्याचारों से, उनके नीतियों से बहुत निराश और परेशान है। तो ये कोयल से अपने मन की बात कहते हैं। तो देखिए इनका फर्स्ट स्टैंजा, क्या गाती हो क्यों रह जाती हूँ। इसमें देखिए कवि क्या कहता है कि जब वो कोयल की आवाज़ सुनता है अर्धरात्रि में, तो कहता है कि क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हूँ। कहती है, हे कोयल तुम क्या गा रही हो और किस लिए और किसके लिए और क्या संदेश ला रही हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम कुछ तो अपने मन की बात बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के ढेर में, यहाँ कभी कैद है ब्रिटिश सरकार की जेल में। तो कहता है कि मेरी जो जेल की दीवारें हैं वो ऊंची हैं, काली है और मैं डाकू चोरों बटमारों यानी कि जो कि यात्रियों को लूटते हैं उनके बीच में घिरा हुआ हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और जो ये ब्रिटिश सरकार है जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देती, अर्थात जीने को देते नहीं पेट भर खाना। वो जीवन जीने की हम बचे रहे, हमारा जीवन चलता रहे, इतना खाना भी हमें वहाँ प्राप्त नहीं होता। ब्रिटिश सरकार हम पर इतनी जुल्म करती है कि वो न तो हमें मरने देती है और न ही जीने देती है, हम सिर्फ तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, और हमारे जीवन पर उनका ब्रिटिश सरकार का दिन रात का कड़ा और कठोर पहरा है। शासन है यतम का प्रभाव गहरा, कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का प्रभाव अंधकार के प्रभाव के समान गहरा और काला है, कि जिस प्रकार अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता वैसे ही ब्रिटिश सरकार की जो शासन और नीतियाँ हैं वो कुछ भी समझ में नहीं आती कि वो कैसी हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, अब चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है और रात गहरी काली हो गई है, अर्थात चंद्रमा के जाने के बाद पूरे आकाश में गहरा कालापन छा गया, अर्थात अंधेरी रात हो गई है। इस समय काली माँ जगी क्यों आली, हे कलीमा मई, किसके लिए यूज हुआ है, कोयल के, हे कोयल तू इस समय क्यों जाग रही है, अर्थात इसमें जो माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने मन की बात कोयल से बता रहे हैं कि हे कोयल कि जब वो ब्रिटिश सरकार के जो अत्याचारों से निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो कोयल की आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं और उस
समय वो कोयल से अपने मन की बात करती कि हे कोयल, तू क्या गा रही है और किसके लिए और क्या बोल रही है, क्या संदेश लाई है तू? कहते हैं कि मैं जो ऊंची काली दीवार पर गिरी, मैं अंग्रेजी शासन की जेल के अंदर ऊंची काली दीवारों में के घेरे में डाकू चोरों और लुटेरों के बीच में घिरा हुआ हूँ। यहाँ ब्रिटिश सरकार हमें जीने के लिए खाना भी नहीं देती है पेट भर, और न ही वह हमें मरने देती है, न वह हमें जीने देती है। हम तड़प कर रह जाते हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पैरा, और हमारे जीवन पर दिन रात उनका कठोर पैरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा। कहते हैं ब्रिटिश जो सरकार है उसका वो जैसे अंधकार का गहरापन होता है, काला अंधकार गहरा होता है, वैसे ही ब्रिटिश शासन भी अंधकार में ही है। जिस प्रकार गहरे अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पाता, कुछ समझ में नहीं आता, वैसे ही ब्रिटिश सरकार की नीतियां हमें समझ में नहीं आ रही है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, अब चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है और रात और भी अंधकार में ही हो गई है। हे कालीमा मई, हे कोयल, तू क्यों जाग रही है और क्या कह रही है? इस समय तू क्यों जाग रही है और किस लिए बोल रही है? इसका विशेष आप स्वयं लिखेंगे, स्टार्टिंग में संकेत, फिर व्याख्या और विशेष प्रसंग लिखना जरूरी है। फर्स्ट स्टैंजा इसका, सेकंड स्टैंजे में आपको इसका प्रसंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। व्याख्या देखिए, क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि यहाँ पर वही ब्रिटिश सरकार की नीतियों के बारे में जो कवि माखला चतुर्वेदी जी हैं कोयल को बताते हुए कहते हैं कि तू क्यों पीड़ा के बोझ से दबी हुई सी क्यों बोल रही है, उपमिस बोल रही है पीड़ा भरी आवाज में। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, हे कोयल बोलो, क्या तुमने किसी लूटपाट को होते हुए देखा है या तुम्हारा कुछ लूट लिया गया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव तुम मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली मधुरता रूपी ऐश्वर्य की रक्षक से लगती थी, लेकिन कोयल बोलो तो क्या हुई बात, हे कोयल तुम कुछ तो बताओ, क्या तुम पागल हो गई हो? जो आधी अर्धरात्रि को चुकी, जो तुम आधी रात को ऐसी आवाज में बोल रही हो, कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ तो बोलो कि तुमने क्या किसी जंगल, दावानल क्या होता है, जंगल, जंगल जंगल की आग की लपटों को देखा है? हे कोयल तुम कुछ तो बोलो, अर्थात तुम्हारे अंदर क्या पीड़ा है, क्या दुख है, तुम मुझसे बताओ और अपने मन को हल्का करो। दोबारा से देखिए इस पोएम को, दोबारा से इस स्टैंजे को देखिए, सेकंड स्टैंजे को, क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी, हे कोयल तुम किस पीड़ा के बोझ से दबी हुई सी आवाज़ कर रही हो? कोयल बोलो तो क्या लूटा, हे कोयल क्या तुमने किसी लूटपाट को होते हुए देखा है या फिर तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम्हारी जो ध्वनि में मधुरता है वो कैसी लग रही है, जैसे मधुर वैभ मधुरता के ईश्वर की रक्षक सी तुम हो, लेकिन हे कोयल क्या तुम बावले मीन्स पागल हो गई हो, जो आधी रात को इस प्रकार से आवाज़ कर रही हो, करुणा भरी आवाज़ कर रही हो, पीड़ा भरी आवाज़ कर रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ तो बोलो, क्या तुमने किसी जंगल की आग की लपटों को देखा है? हे कोयल तुम बोलो तो कि तुम्हारे अंदर क्या पीड़ा है, क्या दुख है? आई थिंक ये दोनों स्टैंजे बहुत ही इजी हैं, बहुत ही साधारण भाषा में दिए गए हैं, जो इजीली समझ में आ जाती है। विशेष आप अपने आप छाट के लिखेंगे आप इसमें से, और कम 5 या 6 लाइन लिखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।